bounds. भारतीय इतिहासामध्ये नृत्याला फार मोठी परंपरा लाभली आहे. भारतीय नृत्यशास्त्राचे प्राचीन ग्रंथ भरतमुनींनी लिहिलेले नाट्यशास्त्र असले तरी प्रत्येक ठिकाणाची संस्कृती, लोककला, सामाजिकता यांच्या संयोगाने प्रत्येक ठिकाणाचे प्रवाह निर्माण झाले. देवदेवतांपासून प्राचीन कथेतून तसेच हजारो वर्षांपासून स्त्री पुरुषांचे भावभावनांचे कलात्मक सादरीकरण यांच्या संयोगाने शक्ती, नृत्य ही शक्ती आहे. अगदी बरोबर. मनोरंजनासाठीच नव्हे तर आपल्या अंतरंग सुप्त गुणांना दात्य भाव मिळवण्यासाठी नृत्य आविष्कार झाला. तर चला मग मंडळी, अशीच एक नृत्यिका आपल्या समोर येत आहे. इंडिया इज अ डायव्हर्स लँड ऑफ कस्टम, कल्चर अँड ट्रेडिशन. इट हॅज 29 स्टेट अँड ईच स्टेट हॅज इट्स डिफरंट फोक लँग्वेज, डान्स फॉर्म अँड आर्ट फॉर्म. इंडिया इज नोन अमंग होल वर्ल्ड फॉर इट्स युनिटी इन डायव्हर्सिटी इन अ नेच अँड सराउंडेड बाय द व्हाईट कवर ऑफ हिमालयाज, सुंदर बर्न्स, वेस्टर्न गार्ड्स अँड मेनी मोर सच. तर बऱ्याच वेळ न घेता आपण पुढे वळूया आणि आपल्या पुढील कंटेस्टंटला बोलूया. खायाळ करती जिच्या आता तिच्या डान्सवर सगळं जगत सुद्धा. खायाळ करती जिच्या आता तिच्या डान्सवर सगळं जगत सुद्धा. तर जोरदार ताळ्यांनी स्वागत करूया नागपूरच्या ऋतुजा नंदनवाडच. अशी इतकी मोठी प्रशंसा ऐकून मला काही आठवलं. शेतकरी म्हणतो ढग गडगडतो पण पाऊस का पडत नाही. शेतकरी म्हणतो ढग गडगडतो पण पाऊस का पडत नाही. या सुंदर कलाविष्कारासाठी जोरदार टाळ्या का होत नाही. अहो या सुंदर कलाविष्कारासाठी जोरदार टाळ्या का होत नाही. टाळ्या का होत नाही. चला तर मग जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया तुझ्या आनंदाला. मैं सब कुछ छड़ देता तेरे करके, तेरे उतो सब कुछ वारी बैठिया. तेनु पता ता है पर फिकर नहीं, तेरे लिए मैं यारा वे कवारी बैठिया. यारी तेरी वे यारी जिस मतक है सारी दी सारी. यारी यारी तेरी वे जिस माँ तक है सारी दी सारी. बेचका होना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल. मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल. तला वारे बलगुरे कला पच्चा पच्चा पच्ची मटी बोमला. अली बिल्ली वेन्ना पाला नुरगला. अच्छा तेलुगु इंटी पूला कोमला. देवरे बुडे पंपग इला देवते मा इंट अडुगे पेटे नंट ब्रह्म कल्लो कांतुले. మా అమ్మలా మా కోసం మళ్ళీ లాలి పాడేనంట. आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली.
धमाचम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पपा पपा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां चाले सारा जहां बेथलपुर मास ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे कमरियापुर सुनले ओ छोरिया घूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमरियार तारी कमरिया कमरियार तारी कमरिया आपने तो स्टेज पर आग लगा दी, इस परफॉर्मेंस के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। प्यारी सी दोस्ती को सलाम हमारा, आप कैसे हो सवाल हमारा, याद करते रहेंगे ये वादा है हमारा, फिलहाल बबल कीजिए हाय हेलो नमस्कार हमारा। जी हाँ दोस्तों, तकदीर चमकानी होगी तो थोड़ा हुनर दिखाना होगा, अब थोड़ा खराब चल रहा है पर अंधेरे को डराना। दीक्षा रह रहे कर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अपने मुलाजम स्पोर्ट का आंसर क्या होगा। अरे रे तेरे का आंसर क्या आया तो क्या हुआ, अपने ऑडियंस तो बहुत होशियार है, उनको जरूर आंसर आया होगा। अरे तो अपनी ऑडियंस होशियार है, मैं थोड़ी होशियार हूँ, प्लीज आंसर बता दो यार। ओके ओके ठीक है बता देती हूँ, इन्हीं केसेस को दोस्तों। अरे अब बता भी दो। तो गाइस पिछले फिश पॉन्ड का आंसर है नेहा चौहान 4U2। ओहो तो बड़ी होशियार है यार। मैं तो हूँ लेकिन मैंने तो सिर्फ आंसर दिया है, असली होशियार तो अपने ऑडियंस है ना दोस्तों। गाइस अब हम अपने नेक्स्ट फिश पॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनो, आपको जवाब देना है ये फिश पॉन्ड मराठी में, तो सुनो। हाँ माझा भाऊ तो माझा भाऊ, हाँ माझा भाऊ तो माझा भाऊ, मग सिनेमाला कोणा बरोबर जाऊ? तो दोस्तों कुछ दिमाग में आया क्या? तो फ्रेंड्स इस फिश पॉन्ड का आंसर आपको हमारे क्वारंटाइन कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेगा। तो दोस्तों इस फिश पॉन्ड का आंसर देने के लिए आपको अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। और हाँ दोस्तों आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन के टॉप राइट बटन पर क्लिक करना। बाउंस